आज हम बनाने जा रहे हैं 5 अंडों की भुर्जी, जिसे हम आमतौर पर स्क्रम्बल्ड एग्स भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए कुछ ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर, अगर आपके पास है तो इन्हें फाइनली छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। यहीं पर आप करीबन 2 प्याज को भी पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक बारीक काट लीजिए। सबसे पहले आप कढ़ाई में 1 कलछुल रिफाइंड ऑयल या घी ले लें, जिसमें आप इन कटे हुए प्याज को डालें और इन्हें 5 मिनट तक अच्छे से भूने की एक गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस दौरान आप 5 अंडों को एक बाउल में फोड़ लें और उसको अच्छे से आपको फेंटना होगा। इसमें आपको स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करना है। एक बात का ध्यान रखें, नमक को बड़े ध्यान से ऐड करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा अंडों की भुर्जी बनाते हैं तो इसमें नमक ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से स्वाद अनुसार नमक ही यहाँ पर ऐड करें और इसको अच्छे से आपको फेंट लेना है। अंडों को अच्छे से फेंट लेने के बाद यहीं पर कटी हुई हरे मिर्च और धनिया जो आपने काटे थे चॉप, वो इसमें मिलाएं और एक बार और 1 मिनट तक इसे फेंटते रहें। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख दें। इस दौरान आप देखिए आपके प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएं, जो कुछ इस प्रकार दिखेंगे, यहीं पे आपको अपना मिक्सचर ऐड कर देना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद यहाँ से आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको मध्यम आँच पर भूनते रहना है और ये धीरे धीरे आपकी जो अंडे की भुर्जी है वो कुछ इस प्रकार की दिखने लगेगी। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में चम्मच की मदद से या आपके पास जो भी कलछुल है स्पैचुला से, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। अंडे की भुर्जी अब कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। इसे थोड़ा सा और पकाएं और ये पूरी तरह से बन के तैयार है। इसे रोटियों के साथ सर्व करें। थैंक यू।